और प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। मैं आज यहीं पे हूँ सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे। आज आप लोगों से कुछ बातें करनी है। पहले तो आप अपने साथियों को देख लीजिए जो यहाँ पर इतनी धूप में बैठे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, आप एक बार देखिए इन बच्चों को। और यहाँ से बहुत सारे टीचर जयपुर से भी आए हुए हैं जो यहाँ पे लगातार बैठ रहे हैं। बच्चों, ये आंदोलन अभी भी जिंदा है, और क्योंकि बच्चों की जो डिमांड्स हैं वो अभी पूरी हुई नहीं है, अभी इनको कोई लिखित में आश्वासन भी नहीं मिला है। और ये जो आंदोलन है ये एंटी बीजेपी नहीं है, ये सारा आंदोलन एंटी SSC स्कैम है। और ये सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपने सिस्टम में सुधार चाहते हैं। अभी मैं कुछ बातें रखना चाह रहा हूँ। अभी योगेंद्र यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें ये रखा गया कि एक बच्चे के 700 एडमिट कार्ड इश्यू हो गए, और उस सेंटर पे जो 700 बच्चे एग्जाम देने गए उसमें इकलौता वही रहा, बाकी सारे एबसेंट हो गए, क्योंकि वो सारे के सारे एडमिट कार्ड तो फ्रॉड थे, गलत ID से भरे गए थे। अब दुख की बात उसमें ये है कि वो सारे के सारे एक ही सेंटर कैसे मिल गया उन बच्चों को, और उनके एड्रेस लगभग जगह सेम है, बहुत जगह नाम सेम है, बहुत जगह फादर्स नेम सेम है, तो कैसे ये चीजें होने लग रही हैं। दूसरी चीज ये है, इन बच्चों की जो डिमांड है कि अगर SSC इस बात को खुद मान रहा है कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ लेकिन चीटिंग हुई, और जहां चीटिंग हुई इन्होंने उसको बंद कराया और उसके खिलाफ FIR कराई जो जिसका स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था, तो हमारा कहना है इस चीज पर, हमारा नहीं इन बच्चों का, कि जब ये इतने बच्चों के साथ ये समस्या है और आप कुछ को ही उसमें से पकड़ पाए हैं, एक दो केसेस की चीटिंग सामने आई है, तो ऐसे पता नहीं कितने हजारों केसेस होंगे जहां ये चीटिंग हो रही होगी और ये सामने ही नहीं आ रही, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि चोर चोरी करता रहे, अगर सामने आ गया और पकड़ा गया तो चोर है वरना वो ईमानदार है। तो अगर इसी तरीके से काम चलता रहा तो फिर ये बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ तो सारे चोर बैठे हुए, कैसे हम तैयारी करें। खुराना साहब ने कहा कि हमारा ऑफिस में कोई इस चीज में लिप्त नहीं है। मान लिया सर लिप्त नहीं है, लेकिन ये ऑफिस तो आपका है, तो इसी ऑफिस के तहत आप SSC का एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। जो CP को जो आपने दिया हुआ है टेंडर, तो CP भी आपने बड़ा सोच समझ के ये टेंडर दिया होगा। एक बार ये भी तो देखिए कि किस जगह पे एग्जाम होने लग रहा है। क्या जिस जगह पर एग्जाम होने लग रहा है वो इतने क्रेडिबल जगह है कि वहां पे उनकी क्रेडिबिलिटी पे विश्वास किया जा सके। गली कुचों में सेंटर डले हुए हैं, और अगर ऐसा है कि चीटिंग हो रही है और आप लोग FIR कर रहे हैं, तो सर ये चीटिंग तो बहुत मास लेवल पे होने लग रही है, उसके खिलाफ क्या? बहुत सारे सेंटर्स पे बच्चे कंप्लेंट करते हैं, लेकिन क्या हर बच्चे की कंप्लेंट आप तक पहुंच पाती है? नहीं। क्या कोई ऐसा सिस्टम है कि आप तक हर बच्चा अपनी कंप्लेंट पहुंचा पाए? आपने कोई ऐसा रिड्रेसल सिस्टम तैयार किया कि बच्चा अपनी कंप्लेंट डाले और आप तक पहुंच पाए और आप उस पर कार्रवाई कर पाए? हम नहीं कह रहे आप चोर हैं, हम नहीं कह रहे कि SSC में बेईमानी है, हम तो ये कह रहे हैं कि आपने खुद स्वीकारा है चीटिंग हो रही है। तो जब चीटिंग हो रही है तो इसका मतलब चीटिंग की बहुत भयंकर लेवल पे पॉसिबिलिटीज है, तभी तो चीटिंग हो रही है। और अगर वो पॉसिबिलिटी जिंदा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप सच मायने में अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहे। और अगर आप ड्यूटी नहीं निभा पा रहे और आपको कोई चोर कह रहा है तो फिर गलत कैसे कह रहा है? आप अपनी ड्यूटी पूरी निभा दें। आपके सामने चीटिंग हुई, आप CASF लगाने लग रहे हैं, आपने कहा कि CHSL में दिक्कत हुई और वहां आपने FIR कराई, तो सर इतनी सारी व्यवस्था होने के बाद भी दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब चीटिंग है। और आप लोगों को जो सैलरी मिलती है, ये जो डिपार्टमेंट तैयार किया गया इसीलिए कि नीट एंड क्लीन सिस्टम हो, तो मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि चीजें सही रूप से हो, इन बच्चों में ये विश्वास दोबारा से पैदा हो, ये अपने क्लासरूम तक दोबारा पहुंच पाए और तैयारी कर पाए, मेहनत कर पाए इतनी भयंकर धूप में। क्या इन बच्चों का जो जवानी है वो यहाँ पे लगानी ठीक है? 11 दिन, अगले 20 दिन तक हम इसको बैठाएं, वो चीज जेन्युइन है? नहीं है। तो आप इस चीज को सोचिए, सरकार भी सोचिए, इन्हीं यूथ के दम पे अगर देश आगे बढ़ना है तो क्या ये यूथ सही काम हो रहा है यहाँ यूथ के साथ? आप यूथ में अगर एक कॉन्फिडेंस तक नहीं दिला पा रहे, विश्वास तक नहीं दिला पा रहे, तो कैसे काम होगा? दूसरा कि जी कोचिंग सेंटर बड़ा इनको कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। सर एक माँ भी जो है ना, वो भी एक कोचिंग सेंटर ही है। कोचिंग सेंटर का मतलब होता है जहाँ पे शिक्षा दी जाए, तो बच्चे के लिए सबसे पहला कोचिंग सेंटर तो उसका परिवार है। लगा दो सर उस पर भी आरोप। यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और अपने बच्चों को खुद लेके आते हैं इस आंदोलन में शामिल होने के लिए, तो वो सब चोर हो गए, सारे कोचिंग सेंटर प्रोपोगेंडा तैयार करने लग रहे हैं। आज मैं KBP न्यूज पे एक चैनल पे सुन रहा था कि खुराना साहब ने कहा कि पहले जब ऑफलाइन पेपर था तो कुछ कोचिंग सेंटर वाले उस पेपर को लीक करा लेते थे, कुछ अधिकारी मिले हुए थे। इसका मतलब सर आपको पता है कि ये कैसे होता था,
तो आपने अब तक क्यों नहीं एफआईआर कराई सर उन कोचिंग सेंटर के खिलाफ और उन अधिकारियों के खिलाफ, जब आप खुद ही तो कह रहे हैं एक आप आईएएस अधिकारी हैं, इस बड़े लेवल पे आप बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि ऐसा होता था ऑफलाइन टाइम पे, तो सर करिए ना फिर उनपे भी एफआईआर। जो कोचिंग सेंटर इन चीजों में लिप्त है उनपे कार्रवाई करिए सर, हम भी तो यही चाह रहे हैं कार्रवाई हो। आप ना किसी कोचिंग सेंटर को बकसिए, ना किसी इंडिविजुअल को बकसिए, ना किसी स्टूडेंट को बकसिए, बस नीट एंड क्लीन सिस्टम कराइए। बाकी आप कोचिंग सेंटरों को फांसी तोड़वा दीजिए, यहाँ पे जो सपोर्ट करने वाले उनको फांसी तोड़वा दीजिए, जिसको जो कराना है वो करा दीजिए सर, लेकिन बस एक ही चीज है कि सिस्टम को सही लाइए। अगर हम लोगों पे बहुत कुछ बुरा हो सकता है तो हमारा बुरा हो जाएगा, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन नीट एंड क्लीन सिस्टम लाइए। ये जो युवा है जो तैयारी करने लग रहा है वो सही डायरेक्शन में चला जाए, सही तरीके से आगे बढ़ता चला जाए तो सर बहुत अच्छा होगा, वरना हमारा देश भी एक दिन अफगानिस्तान पाकिस्तान बन जाएगा। और वो किन लोगों की वजह से होगा, जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो बहुत सही पदों पर बैठे हुए हैं और जिनकी वजह से ये युवा रस्ते पर जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है इन चीजों पे काम करिए। और अभी नीतू मैडम ने भी फेसबुक पे डाला है कि वो कल इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रही हैं और बच्चे हैं बड़ी बुरी स्थिति में, धूप में। आप जयपुर में देखिए, आप इलाहाबाद में देखिए, वहाँ बच्चों को टेंट लगाने की भी परमिशन है, वहाँ दरी लगाने की परमिशन है। ऐसा दिल्ली में कौन सी व्यवस्था है कि बच्चों को ना टेंट मिल पा रहा है, ना दरियां मिल पा रही है, और इस बिल्कुल ना लाउड स्पीकर ना माइक, और इस दोपहरी में बच्चा बैठ के स्ट्रगल करने लग रहा है। धीरे धीरे उसकी आवाज को दबाया जा रहा है और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ना खुराना साहब, वो सब फिर इसका मतलब इनको उकसाने में तैयार है, चाहे वो स्वराज इंडिया है, चाहे कांग्रेस है, आम आदमी है, जो भी है, एबीवीपी भी आई थी या एनएसयूआई भी आई था, इसका मतलब तो सब इसी चीज को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चों को उकसा रहे हैं। सर एसएससी की तरफ से एक डेलीगेशन आप इन बच्चों के पास भेज दीजिए ना, और आप इन बच्चों से इनकी डिमांड कलेक्ट करिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रूमर भी हैं, गलत भी हैं, तो आप इन बच्चों को समझाएंगे आके, अपना डेलीगेशन भेजिए। आपने न्यूज में कहा कि आपकी सिक्योरिटी को थ्रेट होता है अगर इतने बच्चों के बीच में आप आते हैं, सर मतलब अपने देश में एक आईएएस अधिकारी को अगर एक कुछ बच्चों में जाने में थ्रेट है, तो सर फिर हम हिंदुस्तान में नहीं बैठे, हम पाकिस्तान में बैठे हैं। आपके ऑफिस के सामने, आपके घर के सामने अगर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और आपको लगता है थ्रेट है, राजधानी में बैठे तो सर गलत है। आप इस देश की राजधानी में बैठे हैं, इस देश की दिल्ली पुलिस जो है वो सबसे बेहतरीन पुलिस मानी जाती है, केवल भारत में ही नहीं विदेश में, तो क्या वो भी सुरक्षा नहीं दे पाएंगे? सर दे पाएंगे। आप थोड़ा सा प्रयास करिए, आंदोलन खत्म हो जाएगा, चीजें थोड़ी सी आप हैंडल करिए, बच्चों की बातें एक बार सुनिए यहाँ पे आके। आप नहीं सुन सकते, अपना एक डेलीगेशन भेजिए। हर बार जरूरी नहीं कि बच्चों का डेलीगेशन ही एमपी एमएलए के पास जाए और नेताओं के पास जाए, आपके पास है। एक बार सर आप आ जाइए, आपके भी तो ये बच्चे ही हैं, ये जितने बच्चे बैठे हैं सब आपके बच्चों की उम्र के ही बच्चे हैं। वो बात अलग है कि आप लोग आईएएस हैं तो आपके बच्चे थोड़े ठीक जगह पढ़ लिख लिए होंगे, ये बच्चे सरकारी स्कूलों से पढ़ लिख के आ रहे हैं तो इनका उतना जो किताबी ज्ञान है वो इतना सॉलिड नहीं है, इसीलिए तो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज इनके लिए सुनिए, थोड़ा सपोर्ट करिए, एक बार इनकी बच्चों की पूरी डिमांड सुनिए और कुछ सोचिए इनके बारे में कि इतनी भयंकर धूप में बैठना इन जवानों का कहीं से कोई भी तर्क संगत है? और हो सकता है कि आपकी जो बात है वो बहुत सही हो, आप जो जा रहे हो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे इन बच्चों पे। दूसरा, जितने भी टीचर जो डरे हुए हैं और अपने घरों पे बैठे हुए हैं, जो है बड़ा बढ़ चढ़ के सपोर्ट करने लग रहे थे, रोज यहाँ पे मीटिंगें होती थी, बैठते थे, सपोर्ट करते थे, बच्चों को पीसफुली रखते थे बच्चों को, आज आप किस लिए डर रहे हो? सर आप लोगों ने गलत किया हुआ है, किस चीज में गलत किया हुआ है? सीबीआई इंक्वायरी करेगी तो कौन सी फांसी तोड़ लेगी? हमने आके कौन सा यहाँ बस फूकने का किसी को कहा? अरे हम नहीं, कौन सा ऐसा युग है जहाँ पे अध्यापक ने बच्चे का मार्गदर्शन नहीं किया? कौन सा ऐसा युग है आप बताइए ना, हर युग में हुआ है। तो टीचर तो हमेशा गाइड करता है, हमेशा गाइड करता है, लेकिन कोई सही अध्यापक बच्चों को मिसगाइड नहीं करेगा। हम आज भी ये कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म होना चाहिए, बच्चों की मांगे सुनो और बच्चों को सही स्पष्टीकरण दो उनकी मांगों का कि आप कैसे उनको हैंडल कर रहे हैं, एक रेडरेशल सिस्टम बनाइए ताकि बच्चे अपनी बात आप तक पहुंचा पाए। बस मेरा आपको यही कहना है, और जितने भी टीचर्स हैं जुड़िए यार, डरिए नहीं, क्योंकि सिस्टम हमारा है, हम सिस्टम से हैं, हम डरेंगे तो सर सीबीआई से डर रहे हो ना, तो सीबीआई तो तुम्हारे पे अब भी होगी और अच्छे तरीके से होनी चाहिए तुम लोगों पे। इसलिए अपनी बातें रखिए, बच्चों में आइए, मिलिए, अपने विचार रखिए बच्चों पे, पीसफुली ये कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद।